हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो दो विचारधाराएं हैं इसके ज़रिए ही किसी देश की इकोनॉमी तय करी जाती है, फिर जो देश है वो कैसे आगे बढ़ रहा है डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए भारत आपका है, उसने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को अपना रखा है। वही कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल कैपिटलिज्म होता है, वही कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सोशलिज्म होता है, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो एक दूसरे से अलग कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी होती है, एक तरीके से यहाँ पर हर चीज़ जो कंट्रोल होती है वो प्राइवेट एंटिटीज़ करती है। जैसे कि मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल गुड्स, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंडर में होती है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के अंडर में होती है। ठीक है, यानी कि देश में जो कुछ भी बनाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ भी सामान है, वो सब किसके अंडर में होगा, यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में होगा। वही अगर हम सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल गुड्स, ये सब जिसको जो गवर्नमेंट होती है उस देश की, उसके कंट्रोल में होता है। मतलब ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए जो स्टार्टिंग में एक देश था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसकी इकोनॉमी सोशलिस्ट थी। ठीक है, और वही जो USA है आपका, वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिससे तभी वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। जैसे कि मान लीजिए गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कंपनी कहाँ की है, वहीं की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है कौन सी है, कैपिटलिस्ट है। तो वहाँ पर जो पावरफुल है वहाँ के लोग होते हैं, यानी कि निजी कंपनी जो होती है पावरफुल होती है। वही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले देश होते हैं, वहाँ पर एक जो देश की जो गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस की, यानी कि दोनों देशों में जो प्राइस होता है वो कैसे तय होता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो किसी भी चीज़ का जो रेट होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है ना। यानी कि इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और वही अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो यहाँ पर जो भी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है वो किसके अंडर में होता है, वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यानी गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों का जो रेट है वो तय करती है। बात करें प्रोडक्शन की, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विस का, उसका मेन जो मतलब मोटिव होता है वो होता है अर्न प्रॉफिट, यानी कि पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन वही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, यानी कि वहाँ पर लोगों के बारे में सोचा जाता है कि हम कितना पैसा देंगे तो कितने पैसे में देंगे तो लोगों के लिए सही रहेगा। और वही कैपिटलिस्ट में क्या है कि उनको केवल पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट है, और यहाँ का जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव जो आपका होता है वो आपका होता है वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। अब बात करते हैं दोनों इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल कितना होता है। तो एक तरीके से मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर मिनिमल या फिर नो रोल, मतलब कोई रोल ही नहीं होता गवर्नमेंट का। सारा का सारा जो रोल होता है वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ का होता है, फिर प्राइवेट लोग जो होते हैं उनका होता है। लेकिन वही अगर सोशलिस्ट की हम बात करें तो गवर्नमेंट का ही सारा का सारा कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, तो ये है दोनों में, दोनों इकोनॉमी में रोल गवर्नमेंट का। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो देखिए जो प्राइवेट सेक्टर होता है एक तरीके से पूरे तरीके से डोमिनेट करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से कैपिटलिस्ट में होता है और सोशलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। और कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तभी बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं। और वही जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, सारी सारी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। ठीक है, तो ये रही आपकी कैपिटलिस्ट और इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।